बात आंध्र प्रदेश की, जहां पर आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में पुणे के भक्तों ने 25 किलोग्राम सोना पहनकर वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए। एक मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखा। आपने भक्त तो बहुत देखे होंगे, भगवान को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धालु अलग अलग तरीके से पूजा अर्चना करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त हैं जो अपने शरीर पर आभूषण लादकर दर्शन करने भगवान के दर पर जाते हैं। कुछ ऐसा ही मामला आंध्र प्रदेश के तिरुमला से सामने आया, जहां पुणे के भक्तों ने सोना पहनकर वेंकटेश्वर मंदिर में दर्शन किए। वो भी एक किलो नहीं, दो किलो नहीं, बल्कि पूरे 25 किलो सोना पहनकर वेंकटेश्वर मंदिर पहुंचे। यही नहीं, इतना सोना पहनकर मंदिर पहुंचे भक्तों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई फोटो खिंचाने लगा तो कोई वीडियो बनाने लगा। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। रबात नीरज चोपड़ा की करते हैं, जिन्होंने एक और इतिहास रच दिया है। डायमंड लीग में सबसे लंबा थ्रो उन्होंने फेंका है, सीजन का बेस्ट थ्रो है ये। इसके साथ ही वो फाइनल में क्वालिफाई कर गए हैं। स्विट्जरलैंड के लुसाने में चल रहे डायमंड लीग में जैवलिन खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने सीजन का बेस्ट थ्रो फेंका और डायमंड लीग के फाइनल में क्वालिफाई कर लिया। उन्होंने अपने आखिरी प्रयास में 89.49 मीटर थ्रो किया है। पहले चार थ्रो में नीरज 85 मीटर तक भी नहीं पहुंच सके। उनका पहला थ्रो 82.1 मीटर रहा, दूसरा 83.21 मीटर, तीसरा 83.31 मीटर, चौथा 82.34 मीटर का रहा था। अपने पांचवें थ्रो में नीरज ने 85.58 मीटर भाला फेंका। लुसाने डायमंड लीग में अपने सीजन बेस्ट थ्रो से नीरज चोपड़ा दूसरे नंबर पर रहे। नीरज चोपड़ा 90 मीटर के ऊपर का थ्रो नहीं कर सके, हालांकि पेरिस ओलंपिक में फेंके गए 89.45 मीटर के थ्रो को उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। नीरज ने ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता था। नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। माया से ठीक एक साल पहले चंद्रयान 3 के जरिए दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर भारत ने इतिहास रचा था। वहीं इस मौके पर, स्पेस डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां बधाई दी है, तो वहीं प्रदर्शनी देखने के लिए खुद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पहुंची थी। ठीक एक साल पहले यानी 23 अगस्त 2023 का वो दिन जो इतिहास के सुनहरे अक्षरों में दर्ज हो गया। आज के दिन भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र में पहुंचने वाला पहला देश बना था। इस उपलब्धि के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने स्पेस डे मनाने की घोषणा भी की थी। पूरा देश आज पहला नेशनल स्पेस डे मना रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में इस सुनहरे पल को सेलिब्रेट किया जा रहा है, जिसकी थीम रखी गई है टचिंग लाइव्स व्हाइल टचिंग द मून, इंडिया स्पेस सागा। दुनिया में रूस, अमेरिका, चीन, भारत और जापान ही ऐसे देश हैं जिन्होंने चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग की है। भारत भी इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। 2025 में गगनयान में 3 दिनों के मिशन के लिए 3 सदस्यों के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। और बड़ी खबर कोलकाता रेप मर्डर से जुड़ी, आपको बता दें दरअसल आरजीके अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों को भी समन भेजा है। 8 से 14 अगस्त तक तैनात रहे पुलिसकर्मियों को सीबीआई ने समन भेजा है और अब इन लोगों से भी पूछताछ की जाएगी, क्योंकि एक तरफ इसी दौरान घटना सामने आई, इस वारदात को अंजाम दिया गया, वहीं दूसरी ओर इसी बीच वहां तोड़फोड़ की गई, सबूत मिटाने की कोशिश की गई। यही वजह है कि आरजीके अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों को भी समन सीबीआई ने भेजा है। उस समय तैनात पुलिसकर्मियों से सीबीआई पूछताछ करेगी। जो कर्मी उस दौरान तैनात थे, उन सभी से इस घटना को लेकर पूछताछ की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोलकाता रेप मर्डर केस से जुड़ी हुई। दरअसल उन सभी पुलिसकर्मियों को समन सीबीआई ने भेजा है जो उस दौरान यानी कि 8 से 14 अगस्त के बीच तैनात थे आरजीके मेडिकल कॉलेज में। वहीं महिला डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही है, तो वहीं अब कोर्ट की तरफ से पॉलीग्राफी टेस्ट की जो इजाजत है वो भी मिल गई है सीबीआई को, जिसके बाद पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और साथ ही वो डॉक्टर्स जिन्होंने उस रात महिला डॉक्टर के साथ खाना खाया था उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाएगी। देखिए,
कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए रेप मर्डर केस की सच्चाई अब सामने आने वाली है। वो सच सामने आने वाला है जिसको लेकर सीबीआई लंबे समय से कई संदिग्धों से पूछताछ कर रही थी। दरअसल सीबीआई को संदीप घोष और लेडी डॉक्टर के साथ रात में खाना खाने वाले चार डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट की इजाजत मिल गई है और ये भी तय हो गया कि बहुत जल्द कोलकाता कांड के गुनहगारों के चेहरे से पर्दा उठ जाएगा, फिर चाहे वो आरोपी संजय रॉय हो या आरजीकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल रहे संदीप घोष। इस केस के खुलासे के लिए इन सभी किरदारों का पॉलीग्राफी टेस्ट इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि 8 से 9 अगस्त की रात को घटी वारदात की हकीकत सीबीआई की पूछताछ में सामने नहीं आ पा रही है और इसी वजह से सीबीआई संजय रॉय, संदीप घोष और उन चार डॉक्टर्स की पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। सीबीआई को लगता है कि पूछताछ में लोग सच नहीं बता रहे हैं या फिर कुछ छिपा तो जरूर रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने इस वारदात के संबंध में सुप्रीम कोर्ट में जो स्टेटस रिपोर्ट सौंपी है उसमें टीम ने दावा किया कि सभी संदिग्धों की पहचान कर ली गई है और उन्हीं संदिग्धों की इर्द गिर्द पूरी जांच घूम रही है। इतना ही नहीं, इस स्टेटस रिपोर्ट में उन 25 किरदारों का भी जिक्र किया गया जो कहीं ना कहीं इस मामले से जुड़े हुए हैं। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के केस में जिन किरदारों को सीधे तौर पर शक के दायरे में रखा गया उनमें संजय रॉय, संदीप घोष, मृतका के साथ रात में खाना खाने वाले चार साथी डॉक्टर, एएसआई अरूप दत्ता, मृतक महिला डॉक्टर के करीबी जूनियर डॉक्टर शामिल है। सीबीआई ने अपनी स्टेटस रिपोर्ट में ये भी कहा वो 25 किरदारों के जरिए इस रेप कांड की हत्या की सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी किरदार हैं जो सीबीआई के सवालों का सीधा सीधा जवाब नहीं देकर जांच की दिशा उलझा रहे हैं और इसी वजह से सीबीआई उनका पॉलीग्राफी टेस्ट करवाना चाहती है। इधर कोर्ट ने पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाजत देने के साथ ही अगली सुनवाई के दौरान कोलकाता पुलिस के सीनियर अधिकारियों को भी तलब किया जिसमें साफ है कि सीबीआई से लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अब तक की गई लीपापोती की निशानदेही कर ली है और अब उम्मीद है कि जल्द इस केस के असली गुनहगारों के चेहरों से पर्दा उठ जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आगे देखिए अब जाके माता पिता का महा खुलासा, खास बातचीत रिपब्लिक भारत पर। यूक्रेन में मोदी मोदी और जय श्री राम के लगे नारे, वर्ल्ड लीडर का शांति संदेश, क्या थम जाएगा युद्ध? देखिए मेरे साथ रहा शाम 4:57 पर।